हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि एकदम छत पे आके व्लॉग शूट कर रहे हो। एक्चुअली यार, काम दे दिया सुबह सुबह, कपड़े धोए हैं और वही टांग में हम यहाँ पर छत पे आए हुए हैं। कपड़े यहाँ पे हमने टांग दिए हैं, मैंने और नन्ना। नन्ना से हाय। क्या चोट कहाँ लगी आपको? चोट लग गई थी मेरे पास आई, मेरे को चोट लगी है। कहाँ लगी थी शोना आपको चोट? अनन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कैमरा देखते ही। अरे अनन्या, हाय कर लो। अरे वाह, अरे वाह। सो गाइस, मैंने एक आप लोगों से एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट किया था कम्युनिटी पे कि हमें कहाँ जाना चाहिए इस टाइम पे घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार, 2 साल हो गए हम कहीं पे भी घूमने नहीं गए हैं यार। कोरोना आ गया, फिर छोटे बच्चे भी थे, मतलब छोटे बच्चे भी हैं, तो यार अभी भी हम बच्चों को लेके नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे भी कोरोना गया नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए यार, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो हमने 3-4 ऑप्शंस रखे थे आपको बताना था कि हम कहाँ जाएं। तो ज़्यादा तो वोट आए नहीं, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम वोट आए हैं गोवा के लिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो आजकल में हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए। पापा, हाँ, ये हेलो। सो आज हम सब सारी पैकिंग वगैरह करेंगे और थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी है, शॉपिंग करनी है। हाँ बताओ, आपको पता है कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? बोलो हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। बोलो आई होप। अरे जंप क्यों कर रही हो? बस। तो हम लोग आज थोड़ा सा मतलब पैकिंग वगैरह हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। कल हमें निकलना है लखनऊ के लिए, और लखनऊ के बाद फिर उसके नेक्स्ट डे हमें गोवा के लिए वहाँ से फ्लाइट लेनी है। तो अनन्या और अनन्या का भैया तो लखनऊ में ही रहेंगे, हम लोग वहाँ पे इनको ड्रॉप कर देंगे इनके नाना नानी के पास। चलिए दिखाते हैं आज का पूरा दिन हमारा कैसा जाने वाला है, स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए। अभी यहाँ पे मॉल में आया हूँ थोड़ा सा, आज रात में निकलना है तो जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके घर पहुँचता हूँ। अभी 3-4 काम और हैं मेरे को, वो भी सारे निपटाने हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं और फिर घर पर जाके आपसे मिलता हूँ। यार घर पे मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी और फिर मैं 2-3-4 काम थे, तो मैं घर बहुत लेट पहुँचा। इस वजह से हम घर पहुँचते मैं शूट वगैरह कर नहीं पाया। और अब हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हमारी जो रेल मतलब ट्रेन है वो 10 बजे की है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन में। अनन्या से हाय। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम तो यार ये जब भी कैमरा देखती है पागल हो जाती है। और यहाँ पे पूजा और भैया। हेलो। सो हम फर्स्ट स्टेप बढ़ा चुके हैं अपने टूर के लिए। अभी हम जा रहे हैं लखनऊ, और लखनऊ में फिर अनन्या अपने नाना नानी के यहाँ रहेगी और भैया अपने नाना नानी के यहाँ रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि यार इन दोनों को ले जाना सेफ नहीं है। सेफ तो हमारा भी नहीं है, लेकिन यार हम लोग ना बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो एक मतलब एक वेकेशन, एक छुट्टी चाहिए हमें, तो जाना पड़ेगा, हमें जाना ही है। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था और ज्यादा वोट गोवा के लिए थे, तो हमने प्लान किया है गोवा के लिए। तो कल हम लखनऊ से कल हम लखनऊ से हमारी 1 बजे की फ्लाइट है। तो फिर हम मतलब
अब तो गोवा सीरीज चालू हो जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड और हमारे सारे ब्लॉग्स को आप देखिएगा। हम सारा एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे, सब चीज डिटेल में रहेगी। सो आपको सारे ब्लॉग्स, सारा एपिसोड, गोवा सीरीज आपको देखनी है। अनन्या, से हाय। हेलो। नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे ना, तो इन दोनों को भी लेके जाएंगे। अनन्या भी तब तक थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, बोलो हाय फ्रेंड्स। नहीं यार, ये गलत काम है। भैया भैया, ए भैया। और प्लस इन्होंने एक और चीज नहीं बताई, 29 को ही मेरा बर्थडे है। तो ये चीज मैंने इनसे कही थी कि हाँ, मुझे इस बार अपना बर्थडे कहीं बाहर सेलिब्रेट करना है। 2 साल हो गए कुछ अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तो मुझे चाहिए था कि हाँ, इस बार मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाए। तो ये काइंड ऑफ इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, इस बार मेरा बर्थडे गोवा में मनाएगा। तो चलते हैं अभी तो यार। Hi. हमारी जो ट्रेन जो छूटेगी यहाँ से दिल्ली से, वो लगभग 11 बजे का टाइम है, और मॉर्निंग में हम 6:57 तक हम गोवा लखनऊ पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत काम है लखनऊ में भी, कुछ अभी यार सही से मैनेज नहीं किया हमने सारा, मतलब ऐसी जल्दीबाजी में हो रहा है सारा काम। अभी सही से पैकिंग वगैरह भी नहीं, बस कपड़े ठूस लिए हमने, बाकी अब देखते हैं, वहां जाके थोड़ा बहुत सेट करेंगे। और यार इन दोनों को छोड़ के जाने में ना थोड़ा सा है, लेकिन क्या करें अब समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा ना मुझे, मतलब हम दोनों को ही इनकी टेंशन हो रही थी, ये कैसे रहेगा, ये तो ये लड़की चलो रह लेगी, ये लड़की ना बस अगर हमें ना देखे ना तो भूल जाती है, अगर लेकिन हमें देखेगी और फिर हमारे सामने, हम इसके सामने कहीं जाएंगे तो ये रो रो के पागल कर देती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये तो अपने पापा की वो परी टाइप, मतलब ये पापाज परी है, ये मम्माज बॉय है, ये मम्माज बॉय है, ये मम्माज बॉय है, मम्माज बॉय। हम दोनों कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी, और ये दोनों कार्बन कॉपी है। ये देखो हम कार्बन कॉपी है, ये लेकिन ये बहुत शैतान लड़की है भाई साहब, ये एक एक बंदे के बस की बात नहीं है, ये इसको संभालना। ये ना जैन नगर एक्सटेंशन की दादा है, ये दादा बड़ी होगी ना सही में, ये डॉन होगी वहाँ की। तो चलो फिर अभी करते हैं आगे बातचीत। सो अब हमारी ट्रेन निकल गई है प्लेटफॉर्म से, तो अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन लखनऊ की तरफ। बाय बाय दिल्ली, बाय बाय दिल्ली। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं। हमारी ट्रेन 48 मिनट्स आई थिंक लेट हो गई है। हाँ भैया भी कंप्लेन कर रहा है कि भैया इंडियन रेलवे 48 मिनट्स हम लेट हो चुके हैं, हमारी ट्रेन पहुंचनी चाहिए थी 6:50 पे, क्योंकि अब पहुंचेगी 7:48 पे, शायद लगभग 1 घंटे ही है। तो चलिए कोई नहीं, सह लेंगे। पूजा भी उठ गई है, फोन में लगी हुई है, फोन चला रही है, और ये मैडम अभी सो रही है। और बाहर का नजारा आपको दिखाएं तो बाहर तो हरियाली है, फॉग तो नहीं है बिल्कुल भी। ये कह रहा है मुझे कुछ सामान गिर गया यार, हमने एक काम बढ़ा दिया, मैंने सोचा कि खाली बैठी कुछ काम दे दें। अभी सही किया ना, क्या हुआ था? अभी उठे हो तुम, अभी फिर से आ भाई। भैया कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? मजा आया है।
फिर चलिए मिलते हैं, एक बार ट्रेन पहुंच जाए प्लेटफॉर्म पे। सर से हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। अनन्या अभी उठ गई है। और अनन्या गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बोलो गुड मॉर्निंग। क्या होता है? गुड मॉर्निंग बोलो बेटे। अच्छा गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं आप बोल दो गुड मॉर्निंग, दीदी तो बोल नहीं रही है। अच्छा दीदी बोली, बोलो गुड मॉर्निंग। क्या करती हो ये? गंदी बात है शोना। ये भैया देखो, भैया कैसे देख रहा है, ये अपनी दीदी को भी देखता रहता है। ये लोग ये भी आएंगे। अरे भैया मत करो, गिर जाओगे। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लखनऊ में। भैया सो गया है, बेचारा रो रहा था क्योंकि नई जगह देख करके। और अनन्या नीचे अपने डॉग्स के साथ बिजी है, मैक्स और मिनी के साथ। और पूजा फिर से वही जो हमने, क्योंकि सारा सामान हौज पौज हो रखा है तो वो सेट करने में लगी हुई, क्योंकि हमें यहाँ से 11:30 बजे निकलना है, 1 बजे की फ्लाइट है। और चलिए फिर इस ब्लॉग को तो हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब से हमारे गोवा जर्नी स्टार्ट होगी और गोवा एपिसोड्स अब से चालू होंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और हमारे सभी ब्लॉग्स को देखिएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।